मुझे तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज पसंद है क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान से बैठ के बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जर्मनी के अंदर आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है तकरीबन बिल्कुल जैसा कि सर अशर ने बताया, हर कंट्रीज के जो होते हैं वो अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। दोनों कंट्रीज में आप एज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीज जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मंथली कॉस्ट जो है वो आपकी ऑन एन एवरेज कहाँ तक रेंज कर सकती है? फ्रांस के अंदर आई थिंक मिनी जॉब्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीजा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद तलहा बट, और हम आज एक बड़े डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कंपैरिजन आपके लिए लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ भी रहे होते हैं कि हमें जर्मनी को चूज़ करना चाहिए, फ्रांस को चूज़ करना चाहिए, तो हमने सोचा कि हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन की वीडियो लेके आएँ जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिस्कस करें, दोनों कंट्रीज़ के कंपेयर करें, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, पार्ट टाइम जॉब्स को देखें, मोर ओवर जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, थोड़ा बहुत उसको भी ऐड करने की कोशिश करें। रिमाइंडर आपको ये देना चाहूँगा कि हमने कंट्रीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप सेपरेटली देखना चाहते हैं तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ है इसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली जो स्टडी के रिलेटेड हमारा जो कंटेंट होता है वो हमारे सेपरेट वीडियोस के अंदर होता है। तो खैर, आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस वर्सेस जर्मनी। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हम ऐड करने वाले हैं। तो खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ। Assalamu alaikum viewers, there are many reasons why you might want to study in Europe. For starters, Europe is home to some of the best universities in the world. If you are looking for top-notch education, you will find it here. Studying in Europe is a great way to immerse yourself in a new culture and learn a new language. And of course, not forget the fact that Europe is a beautiful continent with so much to see and do. So what about France and Germany? Both countries have a lot to offer to international students. France has been one of the most preferred study abroad destination for international students. Similarly, Germany also tops the list of international students when it comes to studying abroad. तो जैसे कि हमें सर अशर ने पहले भी बताया, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन के हवाले से फ्रांस और जर्मनी के। बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सो एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चलते हैं सर अशर की तरफ, सर अशर से बात करते हैं। जी सर अशर, हमारे स्टूडेंट्स को जर्मनी के हवाले से कुछ गाइडेंस दीजिएगा। जी हाँ, जर्मनी इज अ वेरी वेरी वेल डेवलप्ड कंट्री। इनफैक्ट यूरोप में ये टॉप 5 के अंदर आता है, 4th जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारा व्हीकल्स का। इसके अलावा 300+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिल्कुल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। मोर ओवर जो एजुकेशन की इसकी रैंकिंग है उसके हिसाब से भी ये टॉप 5 के अंदर आता है। इसके अलावा आप जैसे कि जानते हैं जर्मनी बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी बेहतर है, और आप कह लें कि डेवलपमेंट वाइज बहुत ज़्यादा बेहतर है, इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है। तो इस वजह से जर्मनी भी जो है काफ़ी ज़्यादा वेल रिप्यूटेड कंट्री है, टॉप लिस्टेड है। इसके अंदर आपको ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, कोर्सेज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स आपको इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा जो फीस का स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड होती हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्यूशन फीस नहीं होती। मोस्टली जो है वो 300 यूरो से शुरू हो रही हैं, 400-500 यूरो से भी स्टार्ट हो रही हैं, और अगैन वो भी आपकी ट्यूशन फीस नहीं होती, सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसके साथ साथ आप फ्रांस के सर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया जर्मनी के हवाले से, मैं भी यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि फ्रांस में भी उनके लिए 80+ पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपने नोट जरूर करनी है कि हम सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 80+ हैं। फीस रेंज की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 2500 यूरो से लेके 4000 यूरो पर ईयर तक होती है। इसी तरह फ्रांस में आपको 400 से लेके 600 यूरो तक भी फीस मिलती है, बट वो ट्यूशन फीस नहीं होती है, वो भी एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है जो कि आपने अपनी पर ईयर के हिसाब से जो है वो पे करनी होती है। फीसिस जो है वो फ्रांस में भी बहुत मिनिमल है, जो कि रेंज करती है 2500 यूरो से लेके 4000 यूरो पर ईयर तक की। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी बढ़ भी सकती हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कोर्स एंड योर सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी। इसी तरह अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, चाहे आप जर्मनी में चले जाएं, चाहे आप फ्रांस में चले जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वैसे भी जो है वो फीसिस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, बट हमेशा हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर यही रिकमेंड करते हैं कि फर्स्टली जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जाए, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं एडमिशन के, एक्सेप्टेंस के। तो इस वजह से आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी सिलेक्टेड रखा करें ऑन एन अदर साइड, ताकि इन केस अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में ना हो सके एडमिशन, तो आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हो। जी सर, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें फीस के हवाले से एज अ कंपैरिजन कि जर्मनी बेस्ट है या फ्रांस बेस्ट है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे सर तला ने बताया फ्रांस के अंदर भी आपको यूनिवर्सिटीज ऐसी मिल जाती हैं जिसमें ट्यूशन फीस आपकी 400 यूरो से लेकर 600 यूरो तक ऑन एन एवरेज हो सकती है, बट ये थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकता। ऑन दी अदर हैंड जर्मनी के अंदर आपको, क्योंकि 300+ यूनिवर्सिटीज़ हैं
और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा ऑप्शन मिलती है. फ्रांस में ऑन दी अदर एंड थोड़ी लिमिटेड ऑप्शन हैं. तो आई थिंक जर्मनी इस केस में विन करता है और जर्मनी को ये पॉइंट जाता है हमारा ट्यूशन फीस वाला, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्यूशन फीस जो है वो काफ़ी मिनिमल है. ठीक हो गया सर, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिविंग कॉस्ट के हवाले से है. अब हम कंपैरिजन करेंगे फ्रांस वर्सेस जर्मनी लिविंग कॉस्ट के हवाले से कि आपको पर मंथ यहाँ पर कितनी होती है. वैसे तो हम बहुत सारी डिटेल इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, बट टाइम इज टू शॉर्ट. हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, इस वजह से हम ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपकी मंथली कॉस्ट जो है वो आपकी ऑन एन एवरेज कहाँ तक रेंज कर सकती है. जी सर, हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे जर्मनी में क्या कॉस्ट रेंज करती है, देन मैं इनको गाइड करता हूँ फ्रांस के बारे में भी. हाँ जी, जर्मनी के अंदर आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है तकरीबन 800 यूरो से स्टार्ट हो सकती है और ये 1000 यूरो तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एरिया दैट यू आर लिविंग इन. अगेन, थोड़ी बहुत अगर आप कोशिश करें, मैनेज कर लें और शेयरिंग पे रह लें, तब भी जो है ना आप इसको 700 समथिंग जो है ना एक्सपेक्टेड रखें. इसके अलावा फ्रांस के सर क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने जर्मनी के हवाले से बताया कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो मंथली रेंज करती है 800 यूरो से लेके 1000 यूरो पर मंथ तक, तो इस हवाले से मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बता दूं कि वो यहाँ पर फ्रांस को विन होता देखेंगे, क्योंकि फ्रांस की आपकी जो मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है वो रेंज करती है 600 यूरो से लेके 800 यूरो पर मंथ तक की. ये आपको ऑन एन एवरेज लिविंग कॉस्ट बताई जा रही है. लिविंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन में भी हो सकती है कि आप किस रीजन में रह रहे हैं, आपका क्या लाइफस्टाइल है, आपकी क्या स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, तो ये ऑन एन एवरेज है. तो इस हवाले से सर मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि यहाँ पर फ्रांस जो है वो विन करता है, क्योंकि फ्रांस की मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कम है एज कम्पेयर टू जर्मनी. बिल्कुल, ये तो आपकी बात ठीक है. जो मेन सिटीज हैं ऑफकोर्स स्टूडेंट उनको ही टारगेट करते हैं और हम उन्हीं के रेलिवेंट आपसे बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली, जैसा जर्मनी के अंदर आपको फ्रैंकफर्ट मिल जाता है, बर्लिन मिल जाता है, ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं. ऑन दी अदर एंड जो फ्रांस है वहाँ पे पेरिस है, लियोन है, तो ये कुछ सिटीज़ हैं जो वहाँ पे एक्सपेंसिव है. बट अगेन, जो सर तला ने बताया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेरेटिवली चीपर है इन फ्रांस देन इन जर्मनी. तो जी मिस्टर तला, अब स्टूडेंट्स को बताएं कि एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट है और इसमें क्या डिफरेंस आता है. आपने फ्रांस को इस पॉइंट में तो जिता दिया, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर आप क्या कहते हैं जो एडमिशन्स की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है वो फ्रांस में क्या है, और उसके बाद फिर हम जर्मनी को डिस्कस करते हैं. जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा है कि मैंने इस पॉइंट में फ्रांस को जिता दिए, तो अगले पॉइंट में भी जो है वो फ्रांस जीता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रांस की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हैं. आपको यहाँ पर आइट्स रिक्वायर नहीं होता, आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं. कुछ कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर आइट्स की रिक्वायरमेंट की जा सकती है जो कि मिनिमम 5.5 बैंड है. इनटेक्स की बात करें तो फ्रांस में जो है वो साल के दो इनटेक होते हैं, बट जो मेजर इनटेक होता है वो साल का एक ही होता है जो कि मंथ ऑफ सितंबर का होता है, जिसको हम विंटर इनटेक भी कह सकते हैं. इसी तरह फ्रांस में जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको आइट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होता. इन केस अगर आपको यहाँ पर आइट्स रिक्वायर्ड होता भी है तो वो बहुत ज्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5.5 बैंड्स की एज कम्पेयर टू जर्मनी. आपकी यहाँ पर मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी जो है वो 60% है. ये भी एक मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, अगर आपके 55% मार्क्स भी होते हैं तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाता है. अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर जर्मनी की हम बात करें ना, तो उसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्क्स आपके बिल्कुल मैटर नहीं करते, आप 55% में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं. प्लस इसके जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट बैचलर्स के लिए वो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, जिसके लिए आप फिर जाके स्टूडेंट कॉलिंग करते हैं और 13 ईयर्स आपके पूरे होते हैं फिर आप बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हैं. तो आई थिंक वाकई फ्रांस इस पॉइंट में जीत सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपने रिक्वायरमेंट्स की बात बता दी, 60% मार्क्स पे आपको एडमिशन ईजिली मिल सकता है, 55-50 पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं, बट जर्मनी में थोड़ा सा आई थिंक टफ हो सकता है. आपके एटलीस्ट 70% मार्क्स हो, 65-70% हो, तो फिर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर आपका आइल्स का पॉइंट आ जाता है. जर्मनी में बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको आइल्स के बगैर एडमिशन देती हैं. Exactly. और बट मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइल्स की रिक्वायरमेंट कर रही होती हैं. तो सर का जो फ्रांस है वो इस पॉइंट में भी जीत चुका है. जी बिल्कुल, मैंने तो स्टूडेंट्स को पहले ही बताया था सर कि फ्रांस जो है वो इस पॉइंट में विन कर चुका है, क्योंकि जर्मनी की रिक्वायरमेंट्स ज़रा थोड़ी सी क्रिटिकल है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर 2.5 से लेके 3 CGPA जो है वो रिक्वायर्ड होता है. एडमिशन तो आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा जो है वो लैंग्वेज बैरियर आता है, आपकी आइल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाती है. इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज में आपको जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि फ्रांस जो है वो विन कर चुका है इस पॉइंट को. अच्छा सर, इसमें ज़रा ऑफ द टॉपिक बात करते हैं, आप जर्मनी और फ्रांस में से आपको इन दोनों में से कंट्री कौन सा पसंद है? सर देखिए, दोनों जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज बहुत खूबसूरत हैं आर्किटेक्चर के लिहाज से भी, अपनी हिस्ट्रीज के लिहाज से भी. तो सर मेरी अगर आप राय लेंगे तो मुझे तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज पसंद है, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान से बैठ के बात कर रहा हूं. तो मुझे तो चाहे कोई फ्रांस भेजना चाहेगा, चाहे जर्मनी भेजना चाहेगा, मैं दोनों कंट्रीज में जाने के लिए तैयार हूं.
बट मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों कंट्रीज के लिए जो है वो आप ट्राई किया करें, बट अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, क्योंकि आपके साथ हमारी ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स को इनमें डिस्कस किया है, रिक्वायरमेंट्स को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी, फर्दर भी हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत मेहनत लगती है हमारी वीडियो बनाने में, आप वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई पॉइंट आप मिस ना कर सकें। इसके अलावा हम एक और पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा कि हम हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी हम बता सकें और ड्रॉबैक्स भी बता सकें। एग्जैक्टली, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। ऑफकोर्स जर्मनी में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बाकी सारी चीज़ें, उस तरह से फ्रांस के अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जब एक स्टूडेंट को पता होती हैं, कंपैरिजन वो देख लेता है, फिर वो डिसाइड कर सकता है कि उसने किस कंट्री में जाना है। बिल्कुल जैसा कि सर अशर ने बताया, हर कंट्रीज के जो होते हैं वो अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड किया जाता है कि कंट्री सेलेक्ट करने से पहले आप उनके प्रोज एंड कॉन्स को जरूर देखा करें ताकि आपके लिए उस कंट्री में जाके सर्वाइव करना आसान हो। बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रख लेते हैं। एग्जैक्टली, और फिर वहाँ जाकर जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारी वीडियोस बनाने का मेनली यही मकसद है कि हम आपको इन डेप्थ डिटेल दे सकें, उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकें, प्रोसेस के बारे में ओवरव्यू हम कंट्रीज़ के देते हैं ताकि आपको जो है ना एक बेहतर इन्फॉर्म्ड जो है सोर्स मिल सके। खैर, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं, हमारे जो पार्ट टाइम जॉब्स का पॉइंट है। जी बिल्कुल, पार्ट टाइम जॉब और सैलरीज के यहाँ पे पार्ट को हम ऐड करते हैं। तो सर, आप हमारे स्टूडेंट्स को पहले जर्मनी के बारे में बताएं, देन जो है वो मैं फ्रांस के बारे में गाइड करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी इस पॉइंट पे फ्रांस जीतना ही नजर आ रहा है, बट आपने फर्दर गाइड करना। नहीं, आई थिंक इसमें जर्मनी जीतेगा, क्योंकि फर्स्टली जर्मनी के अंदर आपको जो है हाई पेइंग सैलरीज भी देखने को मिल रही है, मोर ओवर आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, प्लस ये कि आपके जो वहाँ पर आवर वेज है वो आई थिंक फ्रांस से बेटर है, 10 से लेके 12 आपको ऑन एन एवरेज मिल जाती है, कुछ जगह में आपको 15 यूरोस भी मिल सकती है पर आवर के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा बेटर पॉइंट है। प्लस ये कि एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो था मिनी जॉब्स का। फ्रांस के अंदर आई थिंक मिनी जॉब्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जर्मनी के अंदर मिनी जॉब्स का भी कॉन्सेप्ट है, आप मिनी जॉब्स भी फाइंड कर सकते हैं और आपको मिल जाती हैं इजीली। इसके अलावा आप हाउस बिल्डिंग में जा सकते हैं, हाउस बिल्डिंग के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई, जाके जरूर चेकआउट कर लें, वो भी काफ़ी बेहतर रहता है। जो भी स्टूडेंट्स फोर ईयर डिग्री नहीं करना चाह रहे होते वो हाउस बिल्डिंग में जाके जो है एक वोकेशनल ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रांस में उस तरह से आई थिंक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। प्लस अगर देखा जाए ब्लू कार्ड का इन्होंने ऑप्शन निकाल दिया, चांसन कार्टे की ऑप्शन निकाल दी है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ऐड करती हैं जर्मनी को फॉर अ बेटर फ्यूचर। बिल्कुल ऐसा ही है, बट फर्स्टली स्टूडेंट्स आई एम सो सॉरी, जैसा कि सर ने बताया यहाँ पर जो है वो जर्मनी ही विन करता है, क्योंकि जर्मनी में जो वहाँ पर मिनिमम वेजेस दी जाती हैं वो 12.40 जो है वो वहाँ की मिनिमम पर आवर वेज सैलरी है, जो कि एज कम्पेयर टू फ्रांस जो है वो कम है, क्योंकि फ्रांस में आपको जो मिनिमम पर आवर वेज दी जाती है वो 11.65 यूरो जो है वो फ्रांस में जो है वो मिनिमम सैलरी आपको पर आवर वेज के हिसाब से पे की जाती है, बट ये भी रेंज कर सकती है 15 यूरो तक, बट ये डिपेंड करती है आपके काइंड ऑफ वर्क पर, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस फर्म में काम कर रहे हैं, किस कैटेगरी का काम करते हैं, जितनी भी सैलरी होती है ये डिपेंड करती है आपके काम की नौयत पे कि आप किस टाइप का जो है वो काम कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज में आप एज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीज जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जो कि लीगली वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से 20 आवर्स पर वीक जो है आपको अलाउ है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि स्टडीज चले आपकी कंप्लीट हो गई, फ्रांस में होगी या जर्मनी में होगी, ठीक है, इसके बाद क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि फ्रांस जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है, पीआर के रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और क्या क्या बेनिफिट है। बिल्कुल सर, देखिए फर्स्टली तो यहाँ पर चाहे फ्रांस को ले लें चाहे जर्मनी को ले लें, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपको यहाँ पर शेंजन वीजा मिलता है, आप अदर यूरोपियन कंट्रीज जो है वो वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद स्टडीज के बाद आपके पास यहाँ पर आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है फ्रांस में 2 साल का, जबकि जर्मनी में आपको मिलता है 18 माह का, तो इसलिए आज से इस पॉइंट पे फ्रांस विन करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 साल का जो है वो पीएसडब्ल्यू मिलता है, जिसको हम वर्क वीजा कहते हैं, जॉब सीकिंग वीजा कहते हैं, आप 2 साल के अंदर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है 2 साल, आप बहुत आसानी से 6 महीने में, 8 महीने में, साल में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। इसी तरह जर्मनी में भी जॉब फाइंड आउट करने की कोई मसले नहीं है, आप बहुत इजीली जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपके सोर्स अच्छे होने चाहिए, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज बैरियर जो है वो एज कम्पेयर टू फ्रांस जर्मनी में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जर्मनी की जो ब्यूरोक्रेसी वो काफी स्लो है, जो आपका गवर्नमेंट के जितने भी सिस्टम्स हैं वो
कंपेरेटिवली थोड़े स्लो हैं, आपका प्रोसेस हायरिंग का जो है वो भी काफ़ी स्लो है, तकरीबन 6 से 8 महीने वैसे भी लग जाते हैं अगर आप नॉर्मली भी जॉब अप्लाई करना चाहें, बट 1 साल का टाइम मोर देन इनफ होता है। इसीलिए जर्मनी ने अपना चांस इन कार्टे भी निकाला है, इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि उनका जॉब सीकर वीज़ा है, उसके बेस के ऊपर भी आप आ सकते हैं। प्लस जो इसके अंदर एक और ड्रॉबैक है वो ब्लॉक अकाउंट का है, लैंग्वेज का बैरियर जो है वो दोनों कंट्रीज़ के अंदर होता है, ऐसी बात नहीं है कि फ्रांस में बिल्कुल लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, ऑफकोर्स वहाँ भी लैंग्वेज का बैरियर है, बट जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है उसका थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, वो भी ड्रॉबैक में आता है। मोर ओवर अगर देखा जाए जॉब वाइज तो जर्मनी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, यूरोप की जो है इसको इकोनॉमिकल हब भी बोला जाता है, तो किसी वजह से बोला जाता है, ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा वो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ वाइज जर्मनी बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ जॉब। अगर बात की जाए, अगर आप इंजीनियरिंग रिलेटेड में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हैं, तो इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस होती है। अच्छा सर, इसके अंदर थोड़ा सा पीआर का भी आपने ऐड करना था, वो काइंडली ऐड कर दें कि फ्रांस के अंदर पीआर का क्या सिस्टम है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और जर्मनी के अंदर जो है पीआर का क्या सिस्टम है। जी बिल्कुल, पीआर की बात करें तो फ्रांस में आपको लीगली 5 साल रहना पड़ता है, 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, आपके स्टडी ईयर्स जितने भी हैं वो भी इस 5 साल में काउंट होते हैं। इट मीन्स अगर आप ये समझ लें कि अगर आप वहाँ पर बैचलर्स करने गए हैं तो बैचलर्स आपका 4 साल का होगा, तो 4 साल आपके स्टडी के भी काउंट हो जाएंगे, और 1 साल आपने वहाँ पर लीगली स्टे करना तो आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए। इसी तरह जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में आपको 2 से 4 साल के बाद जो है वो पीआर मिलती है, बट इनमें स्टडी ईयर्स काउंट नहीं होते हैं। अगर आप स्टडी बेस पे जाते हैं, लाइक बैचलर्स करने जाते हैं या मास्टर्स करने चाहते हैं, वो आपके अलग काउंट होंगे। उसके अलावा आपने वहाँ पर जो है अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा के 2 से 4 साल जो है वो वहाँ पर लीगली स्टे करना है, देन आप पीआर के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू फ्रांस, जर्मनी के जो रूल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो इस पॉइंट पर मैं ये समझता हूँ कि फ्रांस विन करता है, क्योंकि फ्रांस में इस लिहाज से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जर्मनी में जो है वो आपका लैंग्वेज बैरियर भी आता है एज कम्पेयर टू फ्रांस। वैसे तो फ्रांस में भी लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन बहुत कम हद तक है एज कम्पेयर टू जर्मनी। जर्मनी में बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर है। सर, इसके अंदर एक और पॉइंट होता है, वो पीआर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जी जी, वो भी थोड़ी टफ है। जर्मनी के अंदर आपने B2 लेवल की आपको जर्मन रिक्वायर होती है जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, बिल्कुल। और फ्रांस के अंदर जो है वो इतनी टफ रिक्वायरमेंट नहीं है, वो A1 से लेके A2 लेवल की आपको फ्रेंच आनी चाहिए। इस पॉइंट के अंदर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। एग्जैक्टली यही सारी बातें हैं पीआर के हवाले से, जैसा कि मैंने भी आपको बताया फ्रांस के हवाले से, जर्मनी के हवाले से सर ने भी गाइडलाइन की। तो एज कम्पेयर टू जर्मनी, फ्रांस की जो है वो रिक्वायरमेंट्स मिनिमम है पीआर के लिहाज से, और जर्मनी के रूल्स जो है वो जरा थोड़े से स्ट्रिक्ट है। तो मूव करते हैं अपने लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है वीजा प्रोसेस का। ओवरऑल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, वैसे तो मैं भी फ्रांस के प्रोसेस के बारे में आपको बता सकता हूं, बट हम ये सारी बात जो है वो सर अशर से पूछेंगे, वो हमें कंपैरिजन करके बताएं जर्मनी और फ्रांस में, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर स्टूडेंट के लिए क्लियर होना मस्ट है, क्योंकि पूरी वीडियो की जो समरी है वो एट द पॉइंट जो है वो प्रोसेस के अंदर ही बंद होती है, तो इस पॉइंट को समझना जरूरी है। इस वजह से हमने एक ही पर्सन जो हमारे मोहम्मद अशर खान है, इनसे बात करेंगे, यही कंपैरिजन करके हमें बताएंगे जर्मनी और फ्रांस के प्रोसेस के बारे में। तो जी सर, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। जी सर, जो फ्रांस और जर्मनी का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम डिफरेंट है कम्प्लीटली, और जो पोर्टल का डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत आ जाता है। सबसे पहले चलिए हम जर्मनी को लेके चलते हैं। जर्मनी में आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट बाद में भी बुक कर सकते हैं, बट हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपना स्टडी का जो प्रोसेस है स्टार्ट करने से पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर लें अपनी वीज़ा के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ स्टूडेंट्स को 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। जर्मनी के अंदर आपको dart.de वेबसाइट मिलती है, जिसमें आपको सारे कोर्सेज वगैरह मिल सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी की थर्ड पार्टी यूनी असिस्ट है, जिस पर जाकर आप उनको पे करते हैं और फिर वो आपको लिस्ट वगैरह दे देते हैं, आपके भी आप पे अप्लाई करते हैं, उनका प्रोसेस कदर आसान हो जाता है आपके लिए, और आप उधर 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको जर्मनी के डायरेक्ट एप्लीकेशंस का प्रोसेस भी मिल जाता है, बट वो डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी के ऊपर ही अप्लाई हो रहे होते हैं, तो आई थिंक 70 से 80% जो है वो आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर। इसके अलावा अगर बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस के अंदर आपका जो मेन पोर्टल होता है वो कैंपस फ्रांस होता है, और जो अप्लाई करने के लिए पोर्टल होता है वो एतुदेस इन फ्रांस होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई, बिल्कुल परेशान मत हो, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में हम सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रांस में जो रोलिंग एडमिशन है वो अप्लाई करने के लिए आप ई कैंडिडेट यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी प्रोसेस चलता रहता है। उसके अलावा जो आपका प्रोसेस है वो कदरे सेम ही है, क्योंकि इसमें दोनों में आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं और फिर आपका प्रोसेस चलता है। इसके अलावा आपका जो फ्रांस का प्रोसेस है
उसमें आपको जब समरी मिल जाती है, आप एथुरेस फ्रांस के ऊपर अपना जो है अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट, फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर, अपनी फीस वगैरह पे करते हैं, वो आपको चलान फॉर्म दे देते हैं। फ़ी पे करने के बाद आपको PDF मिलता है, आप AEG ऑफिस जाते हैं, वहाँ जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको सबमिट करते हैं और फिर आपको वो वीज़ा की चेकलिस्ट दे देते हैं। वीज़ा की चेकलिस्ट के साथ साथ आप अपना एम्बेसी के लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो जर्मनी का पार्ट है उसमें डायरेक्टली आपको एम्बेसी ही जाना होता है, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और फिर जब आपके डेट आती है तब आपने अपना ब्लॉक अकाउंट बनाकर अपनी वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जाना होता है। सर यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ऐड करूँगा ब्लॉक अकाउंट के हवाले से, क्योंकि मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से पूछेंगे भी, तो क्यों ना हम इस वीडियो में उनके इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्लियर कर दें। ब्लॉक अकाउंट के लिए हमें कितनी जो है वो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है और इसका क्या प्रोसेस है, कब तक जो है ये मैनेज करना पड़ती है हमें? अच्छा, ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है वो आप 1-1.5 हफ्ता पहले भी मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको 3-4 महीने पहले करनी चाहिए, बट इतनी ज़्यादा इसमें टफ रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट आप जो है डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। तो इसकी जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली आपको अगर बताएं तो वो 11,900 समथिंग यूरोस बनती है। वो आप जाके चेकआउट कर लें, 934 यूरोस अप्रॉक्स पर मंथ के हिसाब से अगर बनाते हैं तो ये इतनी अमाउंट बनती है। तो ये आपने शो करानी होती है, प्लस अगर आपकी फ़ीस है तो फिर आप अपने फंड्स जो है फीस के वो सेपरेटली शो कराएंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और आपने वहाँ पे फीस पे करनी है तो अपनी रिमेनिंग फीस अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू भी शो करा सकते हैं। बट क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं तो फिर उनकी बैंक स्टेटमेंट उस तरह से नहीं लगती, बहुत मिनिमल सी लगती है, 1,000-2,000 यूरोज़ अगर आपके पास हैं बैंक स्टेटमेंट में तो दैट वुड बी फाइन इनफ। इसके अलावा फ्रांस की अगर बात करें तो येस, फ्रांस के अंदर जो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस है वो 7,300 यूरोज़ समथिंग बनते हैं, जो कि 1 ईयर के आपने शो कराने होते हैं, प्लस आपकी जो ट्यूशन फीस उस साल की होती है वो भी आपने उसके अंदर ऐड ऑन करनी होती है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। बट फ्रांस के अंदर क्योंकि ब्लॉक अकाउंट नहीं है तो स्टूडेंट्स के लिए मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है और वो आपकी के पैसे आप जाके उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बट जर्मनी के अंदर आपके जो पैसे हैं वो बाउंड हो जाएंगे फिर 1 साल के लिए और फिर पर मंथ के हिसाब से आपको एक्सपेंसेस मिलते रहते हैं। बट ब्लॉक अकाउंट इज गोइंग हेल्पफुल फॉर यू, ये अमाउंट जो है वो आपकी सेव रहती है उनके बैंक में, आपको वो मंथ वाइज जो है वो क्रेडिट करते रहते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। बट ये है कि जर्मनी जैसी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फ्रांस के लिए नहीं है, वहां पर आपको सिंपली अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, यहां पर आपको ब्लॉक अकाउंट शो करना होता है। जैसा कि सर ने बताया 11,900 समथिंग जो है वो यूरो है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 34-35 लाख बनते हैं, वो आपने ब्लॉक अकाउंट में जो है वो शो करवाने ही करवाने हैं एनी हाउ। देन आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो सकता है, क्योंकि जैसे बैंक स्टेटमेंट दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के लिए जरूरी है, एक बहुत जो है वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, इसी तरह ब्लॉक अकाउंट भी जो है वो जर्मनी में अप्लाई करने के लिए एक मस्ट ऑप्शन है, आपने ये ब्लॉक अकाउंट वहां पर शो करवाना ही करवाना होता है हर हाल में। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि हमारा पॉडकास्ट कंपैरिजन का जो सेशन है वो यहाँ पर एंड होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है और ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं। इन केस अगर हमने कोई पॉइंट मिस भी कर दिया हो तो आप ज़रूर अपनी जो क्वेश्चन और क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि फर्दर हम आपके उस पॉइंट को और उस क्यूरी को जो है वो हम डिस्कस कर सकें। इसके अलावा सर, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर चाहते हैं हम इस तरह का कंटेंट अपलोड करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर दें, और नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं हम किसी और कंट्री के ऊपर इस तरह की वीडियो लेके आएं कंपैरिजन की तो वो कंट्रीज़ भी मेंशन कर दें, इंशाल्लाह फिर हम उसको लेके आएंगे आपके लिए प्रॉपर रिसर्च के साथ। और मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। दैट वॉज इट फ्रॉम आर साइड, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।